लग रही है ना देखने में काफी सुंदर ये चटनी। तो ये है टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम देसी टमाटर। मैंने ये लाल लाल टमाटर लिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम बॉयल कर लेंगे। मैंने गैस पे पानी उबलने के रख दिया है। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। इससे छिलका टमाटर का अच्छे से निकल जाएगा। इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको एक उबाल आने तक उबलने देंगे। फिर इसको थोड़ी चम्मच की सहायता से हम उलट पलट कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये उबल जाए। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड कि ये देखिए छिलका अपने आप निकलना शुरू हो गया है। जब भी आप टमाटर की मीठी चटनी बनाए फ्रेंड तो उसमें देसी ही टमाटर लें, क्योंकि वो बहुत उसमें रस होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो टमाटर अच्छे से हो गया फ्रेंड, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसका हम छिलका उतार देंगे। बहुत ही आसानी से ये छिलका निकल जाता है और हमारा जो टमाटर की मीठी चटनी का स्वाद और दुगना हो जाएगा जब इसमें छिलका नहीं रहेगा। तो देखिए इसको इस आसानी से निकाल पा रही हूँ। सारे छिलकों को हम निकाल लेंगे। छिलके मैंने देखिए अच्छे से निकाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बारीक काट लेंगे इस तरह से। इसका ऊपर का हिस्सा हम निकाल देंगे पहले, क्योंकि ऊपर का हिस्सा थोड़ा कड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको निकाल करके अलग कर देंगे और इसको काट लेंगे इस तरह से। ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे फ्रेंड, इस तरह से 3-3 4-4 भाग करके काट देंगे इसको। बहुत आसानी से कट भी जाता है। इसी तरह से देख पा रहे हो फ्रेंड, मैंने सारे टमाटर को इस तरह से काट लिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मैं डाल दे रही हूँ इसमें कुकिंग ऑयल। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें पचफोरन। पचफोरन में सारे मसाले आते हैं फ्रेंड, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी और मेथी के दाने, सारी चीज़ आते हैं। तो मैंने पचफोरन डाल दिया है। अब मैं डाल दे रही इसमें तेज़पत्ता। तो देखिए हमारे फोरन चटकने लगे हैं। डाल देंगे टमाटर। तो देखिए फिर मैंने टमाटर डाल दिया। मैं डाल दे रही हूँ नमक। तो इसको 2-3 मिनट तक हम भून लेंगे। टमाटर तो हमारे पहले से ही पका है फ्रेंड, तो टमाटर में ज़्यादा पकाना नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा पानी जो है कम हो जाएगा। तो टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो मैं डाल दूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अब डाल दूँ मैंने 1 कटोरी यहाँ पे चीनी लिया है, इसको डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड हमारी चटनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छी खुशबू भी आने लगी है और देखिए इस तरह से गिराने से लगातार गिर भी रही है। नहीं तो ज़्यादा हम पका देंगे तो चटनी हार्ड हो जाएगी, तो बाद में दिक्कत होगी खाने में। तो हमें थोड़ी पतली ही रखनी है। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी खट्टी मीठी टमाटर की चटनी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है फ्रेंड। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।